अभी कोई स्कैम सामने आते हैं, भाजपा के कुछ कुछ नेता, स्पेशली आसाम के मुख्यमंत्री, ये स्कैम छुपाने के लिए कम्युनल चीजों के आगे लाता है। आसाम के मुख्यमंत्री आसाम के 3 करोड़ 30 लाख जनता के मुख्यमंत्री है, संविधान के नाम पर शपथ लिया। जब ये घोटाला प्रकाश हुआ, ये बात सच है, आसाम का ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें नहीं आया, पोर्टल में आया, लेकिन जब ये आया और आसाम के लोगों का अंदर ये चर्चा शुरू हुआ, सारे चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला, वो गोरू खुटी को लेकर आया जो दरोंग डिस्ट्रिक्ट में जो एविक्शन हुआ था, बोला गोरू खुटी में आसाम का लोगों ने 1983 का रिवेंज लिया। एक मुख्यमंत्री जो संविधान के नाम पे शपथ लेते हैं, जो कहते हैं शपथ के टाइम कोई भेदभाव नहीं करेगा और संविधान को रक्षा करेगा, जो मुख्यमंत्री का काम होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अगर वही मुख्यमंत्री बोलेगा सरकार या जनता कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर रिवेंज लिया, तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ मेंटेन होगा, संविधान कैसे रक्षा होगा। ये सारे चीज हिमंत बिस्वा सरमा ने किया था, जो घोटाला हुआ भूमि घोटाला, इसको छुपाने के लिए। तो मेरा विचार में हिमंत बिस्वा सरमा इज द चीफ वायोलेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन असम। तो इसीलिए जो हमारे नेतागण जो बताया उसको तुरंत रिजाइन देना चाहिए, घोटाला के लिए भी और इस संविधान का जो सपोर्ट ले इसको भंग करने के लिए भी उसको तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए या केंद्र उनको बर्खास्त करना चाहिए।